सारी तारीफ भगवान के लिए है। आज हम इस क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वो क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या अंतर होता है, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है हम पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस CONTINUOUS प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस TENSE टेंस ये हुआ है प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट। इसको परफेक्ट नहीं बोलते, परफेक्ट 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 वो परफेक्ट भी बोल देते हैं परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस CONTINUOUS कंटीन्यूअस होता है वो, कंटीन्यूअस नहीं होता, कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इन दोनों में क्या अंतर है, ये तो अंतर बहुत कम है, लेकिन ये हिंदी में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग हम बहुत कम करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करने की जगह पर हम इसको करते हैं। वो कैसे, देखिए अगर मुझको कहना है मैं अब अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, अब तो सिखा रहा हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि 10 वर्षों से मैं अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, तो मैं अब अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, 2 दिनों से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, 2 महीनों से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, 2 वर्षों से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, पिछले 40 वर्षों से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, मैं पिछले 40 वर्षों से अंग्रेजी सिखाते आ रहा हूँ, ऐसे नहीं बोलते हैं। इसीलिए अंग्रेजी में अगर मैं अब अंग्रेजी सिखा रहा हूँ तो अंग्रेजी में बोलने का एक ढंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कहा जाता है। और इसको ये अरसा अगर बताना है, वो ड्यूरेशन वक्त बताना है, आधे घंटे से, 2 दिनों से, 2 महीनों से, 2 सालों से, 40 सालों से, 2 सदियों से, तो वो विस्तार बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए मैं अब अंग्रेजी सिखा रहा हूँ तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। अब जो क्रिया बात करते वक्त पे वो काम हो रहा है, वो क्रिया की जा रही है, मैं अब खाना खा रहा हूँ, मैं अब अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, मैं अब अंग्रेजी सीख रहा हूँ, मैं अब एक क्या बोलेंगे, एक सेंटेंस जो है हमको बोला नहीं जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, आई एम स्लीपिंग बोल नहीं सकते अब, क्योंकि आई एम स्लीपिंग अगर बोलना है तो आपको सोते रहना चाहिए, सोता हुआ व्यक्ति कैसे बोलेगा, आई एम स्लीपिंग नहीं बोलते ना। सो आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ, मैं अब अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ। देखिए ये अंग्रेजी का ढंग ऐसे है, हम हिंदी में बोलेंगे मैं अब अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, हिंदी में इस तरह है, अंग्रेजी का स्टाइल इस तरह आता है। देखिए मैं अब अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, हो गया, मैं अब अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, मैं अब इंग्लिश सिखा रहा हूँ। ठीक है, एक एक शब्द को भी हिंदी का अर्थ है ही है, तो सिखाने से बच्चे सीख जाएंगे। तो यही बात को अगर मैं विस्तार देना चाहता हूँ, वक्त बताना चाहता हूँ, ड्यूरेशन बताना चाहता हूँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। वो कैसे, मैं पिछले 10 वर्षों से अंग्रेजी सिखाते आ रहा हूँ। अब देखिए यूट्यूब पे
पिछले 4 वर्षों से, 2010 में हमने अपलोड किया है, मैं पिछले 4 वर्षों से यूट्यूब में अंग्रेजी सिखाते आ रहा हूँ, तो इसको बताने के लिए आई हैव बीन, सारा ही है टीचिंग इंग्लिश, लिख देता हूँ टीचिंग TCHING English, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ English for the past 10 years, years YEARS, years ये जेड से कहना चाहिए, years होता है वो, years नहीं होता है, ये years नहीं होता है वो, years। देखिए इसको बताने के लिए हम हिंदी में, मैं अब अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, 10 वर्षों से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, बोल के काम चलाते हैं। अंग्रेजी में अगर अब सिखा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ, अगर वक्त बताना है आपको ड्यूरेशन, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 मंथ्स, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, पिछले देखो मैं 4 वर्ष बता के इधर 10 डाल दिया, मैं तो ऐसे तो 40 वर्षों से अंग्रेजी सिखाते आ रहा हूँ, ठीक है। अभी मास्टर जी आपको देखने से आपकी उम्र ही 40 नहीं लगती है, अरे मेरी उम्र 63 हो रही है, ठीक है 63, मैं जाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ ऊपर, वहीं वहाँ भी किसी को अंग्रेजी चाहिए तो दे देंगे, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, मैं पिछले 10 वर्षों से अंग्रेजी सिखाते आ रहा हूँ, इसमें क्या दिक्कत है, क्या कठिनाई है, कितनी आसानी से आज ही से आप देखिए, मैं इस कॉलेज में पिछले 2 वर्षों से पढ़ते आ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडीइंग, देखिए आई एन जी का फॉर्म लगा देंगे उसमें, सारे सारी क्रियाओं के साथ आई एन जी का लगाना ज़रूरी है, वो आई एन जी आ जाएगा, देखिए आई हैव बीन स्टडीइंग, क्या बोलेंगे पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन, देखिए मैं दिल्ली में पिछले 10 सालों से रहते आ रहा हूँ, मैं 10 सालों से रहते आ रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे आई हैव बीन लिविंग, लिविंग क्रिया के साथ आई एन जी का लगाना बहुत ज़रूरी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए आगे एम इज आर आएगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हैव बीन और हैज़ बीन, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस भी दे देता हूँ, प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत आसानी से आप ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज ही से आप प्रयोग करना चालू कर देंगे, बहुत आसान है, आसान मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप भी आसान समझेंगे, जनरली ये जो अध्यापक होते हैं वो बोलते हैं बहुत आसान बहुत आसान, उनको आसान होगा लेकिन हमको आसान नहीं है, लेकिन मैं जो अगर कहता हूँ आपको आसान होगा तो आप भी मानेंगे इसको। देखिए मैं पिछले 10 वर्षों से अंग्रेजी सिखाते आ रहा हूँ, आई हैव बीन क्रिया के साथ आई एन जी लगाना है, टी ई ए सी एच आई एन जी टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, देखिए आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, ये आपको प्रैक्टिस देता हूँ मैं आपको, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, अब थोड़ा तेजी से बोलेंगे, आई बीन टीचिंग, देखिए ये अंग्रेजी में रवानगी से बोलते वक्त पे इसका इसका उच्चारण बदल जाता है उसको, देखिए इसको आव, ये बीन आके बिन हो जाता है, अब बिन, हम आई हैव बीन बोलते वक्त पे वो आधा सेंटेंस बोल के ख़त्म कर देंगे, ठीक है, आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, बोलिए
I've been teaching English for the past 10 years. I've been teaching English for the past 10 years. I've been living in Delhi for the past 10 years. मैं दिल्ली में पिछले 10 वर्षों से रहते आ रहा हूँ. I've been living. ठीक है, I've been living in Delhi for the past 10 years. समझ में आई बात? इसको नेगेटिव में बना, नकारात वाक्य में बदलना है तो आई हैवेंट, इसको हैवेंट लगा देंगे. आई हैवेंट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द पास्ट 10 ईयर्स. मैं पिछले 10 वर्षों से अंग्रेजी नहीं सिखाते आ रहा हूँ. इसका क्वेश्चन अगर आपको मुझसे पूछना है, हैव यू बीन, ये हैव लाइए. हैव यू बीन, ये हो गया प्रश्न, प्रश्न में बदल गया. हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द पास्ट 10 ईयर्स? हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द पास्ट 10 ईयर्स? आप पूछ रहे हैं मुझसे, मास्टर जी क्या आप पिछले 10 वर्षों से अंग्रेजी सिखाते आ रहे हैं? हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द पास्ट 10 ईयर्स? हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द पास्ट 10 ईयर्स? हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द पास्ट 10 ईयर्स? हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द पास्ट 10 ईयर्स? मैं उसका उत्तर इस तरह दूंगा, हाँ मैं पिछले 10 वर्षों से अंग्रेजी सिखाते आ रहा हूँ. Yes, I have been teaching English for the past 10 years. Yes, I have been teaching English for the past 10 years. Yes, I have been teaching English. I've been teaching English for the past 10 years. वो हम, मैं पिछले 10 वर्षों से अंग्रेजी सिखाते आ रहा हूँ, ऐसे नहीं बोलते हैं वो लोग. मैं पिछले 10 वर्षों से अंग्रेजी सिखाते आ रहा हूँ. I've been teaching English for the past 10 years. नेगेटिव, नकारात्मक. No, I haven't been teaching English for the past 10 years. नहीं, मैं पिछले 10 वर्षों से अंग्रेजी सिखाते नहीं सिखाते आ रहा हूँ. लेकिन, किंतु, I've been teaching English for the past 40 years. पिछले 40 वर्षों से अंग्रेजी सिखाते आ रहा हूँ. ठीक है, कोई भी क्रिया. आप दिल्ली में कितने वर्षों से रहते आ रहे हैं? हाउ लॉन्ग, इसको अरसा पूछना है. प्रश्न पूछने के लिए उसको एक शब्द का इस्तेमाल करना, प्रयोग करना आपको जानना जरूरी है. देखिए, कितने लम्हों से, कितने मिनटों से, कितने घंटों से, कितने दिनों से, कितने महीनों से, कितने वर्षों से, सबके लिए अगर प्रश्न पूछना है, आप कितने दिनों से या कितने सालों से अंग्रेजी सिखाते आ रहे हैं, तो उस सबके लिए एक ही एक शब्द है. देखिए, हाउ लॉन्ग. देखिए, हाउ लॉन्ग, कहीं ये नहीं समझ बैठना कि कितना लंबा, ये कितने लंबे अरसे से, ये लगा लीजिए आपको, कितने लंबे अरसे से. ठीक है, वो चलता है. आप कितने जमाने से, इसका मतलब हुआ कितने वक्त से, कितने जमाने से, कितने दिनों से, कितने महीनों से, सबके लिए हाउ लॉन्ग. ठीक है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन living in Delhi, living, living in Delhi, Delhi. देखो इसका जो उच्चारण है, इसको Delhi कहेंगे, डे डे, देखिए Delhi, इसको Delhi नहीं कहेंगे अंग्रेज, Delhi, Delhi, डे नहीं होता इसका आधा लगा, Delhi, न्यू Delhi, New Delhi, New Delhi. How long have you been living in New Delhi? How long have you been living in Delhi? आप कितने अरसे से दिल्ली में रहते आ रहे हैं? How long have you been living in Delhi? आप इस कॉलेज में कितने जमाने से पढ़ रहे हैं? How long have you been Have you been
स्टडीइंग इसमें लिखता हूँ STUDYING स्टडीइंग पढ़ रहे हैं. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज. कॉलेज हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग अगर काम करना पूछते हैं वर्किंग आप इस कॉलेज में कितने जमाने से काम करते आ रहे हैं. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज. बोलेंगे मैं इस कॉलेज में पिछले 10 वर्षों से काम करते आ रहा हूँ. देखिए प्रोफेसर आज ही से लगा लीजिए. आई हैव बीन वर्किंग क्रिया का ing फॉर्म. ing का होना बहुत ज़रूरी है. जब तक ing नहीं होता है ये सेंटेंस पूरा नहीं होता है. ये इसका मतलब नहीं निकलता है. ठीक है. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन अरेबिया. मैं प्रैक्टिस दे देता हूँ आपको. आप मुझसे सुनते सुनते इस सीडी को आप ऐसे करेंगे. क्या करती हैं वो लोग बहुत से मेरे जो शागिर्द हैं ना स्टूडेंट्स वो सेल में रिकॉर्ड कर लेते हैं. रिकॉर्ड करके सुनते जाइए आसानी से आप आज ही से इस्तेमाल कर दोगे. देखो आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर द पास्ट 10 ईयर्स. इन दिस कॉलेज मैं इस कॉलेज में फॉर द पास्ट 10 ईयर्स मैं इस कॉलेज में पिछले वो अरसा लगाइए. फॉर द पास्ट 2 ईयर्स फॉर द पास्ट 10 ईयर्स फॉर द पास्ट 20 ईयर्स जो भी वक्त है बता दीजिए. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडीइंग. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग. आपसे आप मुझसे पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश. आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द पास्ट 40 ईयर्स. मैं पिछले 40 वर्षों से अंग्रेजी सिखाते आ रहा हूँ. ठीक है. फिर ये पूछना है क्या आप पिछले 40 वर्षों से अंग्रेजी सिखाते आ रहे हैं. तो हैव यू बीन से शुरू कीजिए क्वेश्चन. हैव यू बीन लिविंग LIVING क्रिया बदल दिया. क्या आप हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली. फॉर द पास्ट 5 ईयर्स. देखिए क्या आप पिछले 5 वर्षों से दिल्ली में रहते आ रहे हैं. हैव यू बीन हम इस जगह पे आर यू लिविंग इन दिल्ली फॉर द पास्ट 5 ईयर्स पूछते हैं. ये ड्यूरेशन बताने के लिए बस कोई दूसरा अंतर ही नहीं है भाई. क्या वो ड्यूरेशन बताने के लिए. ये अगर आप आज से प्रयोग करेंगे तो सब हैरान हो जाएंगे लोग. अरे अचंभे में पड़ जाएंगे कैसे अंग्रेजी बोलता है. प्रैक्टिस कर लीजिए हाथ में लिख लीजिए. आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर द पास्ट 5 ईयर्स. आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर द पास्ट 10 ईयर्स. आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर द पास्ट 5 ईयर्स. आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर द पास्ट 3 मंथ्स. आई हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर द पास्ट 5 ईयर्स. आई हैव बीन टीचिंग मैथमेटिक्स फॉर द पास्ट 20 ईयर्स. I've been teaching economics for the past 50 years. 50 तो नहीं हो सकता है. For the past 40 years. क्योंकि मैं अंग्रेजी सिखा रहा हूँ ना. कुछ भी ठीक है. How long have you been teaching English? I've been teaching English for the past 40 years. समझ में आई बात. बहुत आसान है. तो प्रैक्टिस करते जाइए. आज ही आप इसका प्रयोग करना चालू कर देंगे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जगह पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना होगा. क्योंकि ये ड्यूरेशन बताने के लिए अंग्रेज लोग इस तरह का प्रयोग करते हैं. जब हम हैव बीन हैज बीन कोई भी बात करते वक्त पे प्रयोग करता है तो हमको इतना अच्छा लगता है. अरे हम सोचते हैं तो अंग्रेजी बहुत फर्राटेदार बोलता है. इसमें कोई है कुछ है ही नहीं. वेरी सिंपल. अब देखिए एक छोटा सा चेंज. अगर यही आपको ही शी इट से पूछना है तो हैज बीन आ जाता है. बस हैज बीन. आपका भाई कितने वर्षों से अरेबिया में काम करते आ रहा है. देखिए मेरा भाई अब अरेबिया में काम कर रहा है 5 वर्षों से अरेबिया में काम कर रहा है. हिंदी में इसे बोल देते. लेकिन अगर आपको कहना है माई ब्रदर इज वर्किंग इन अरेबिया नाउ वो हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस.
आपको ड्यूरेशन बताना है, माई ब्रदर हैज़ बीन वर्किंग इन अरेबिया फॉर द पास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 वर्षों से मेरा भाई अरेबिया में काम करते आ रहा है। सवाल पूछेंगे, हाउ लॉन्ग हैज़ योर ब्रदर बीन, क्योंकि योर ब्रदर ही हो जाता हैज़ योर ब्रदर बीन वर्किंग इन अरेबिया। वर्किंग, ये वर्किंग नहीं होता है, देखिए हम इतना भद्दा बोलते हैं वर्किंग, वेयर आर यू वर्किंग नहीं होता है, वेयर आर यू वर्किंग। इसका देखिए पास्ट फॉर्म जो है, वर्क का पास्ट फॉर्म जो है वर्कड नहीं होता है, डा नहीं होता है, वर्क नहीं होता है, ये आगे वर्कड, इसको वर्कड, आई वर्कड देयर फॉर 5 ईयर्स, आई वर्कड, ये वर्कड नहीं होता है, आई वर्कड। देखिए वर्कड अगर बोलेंगे तो कितना भद्दा लगता है, अंग्रेज ऐसे बोलते हैं आई ही वॉक्ड, WALKED, ही वॉक्ड, वॉक्ड होता है, वॉक्ड नहीं होता है। ही टॉक्ड, TALKED, टॉक्ड फॉर हाफ एन आवर, वो आधा घंटा उन्होंने लेक्चर दिया। ही टॉक्ड, वॉक्ड, स्टॉप्ड, आई स्टॉप्ड, STOPPED, आई स्टॉप देयर फॉर हाफ एन आवर, स्टॉप्ड, इसको स्टॉप्ड होता है, स्टॉप्ड। अगर स्टॉप्ड, वॉक्ड, टॉक्ड, वर्कड बोलने से कैसे भद्दा लगता है, देखिए ऐसी बहुत सी चीज़ें मैंने मेरी सीडियो में दिया है। चलो कोई धंधे की बात करते हैं, अगर आप सीडियाँ खरीद लेंगे तो उससे पहले एक बात, अगर ये सीडी आपको ये टीचिंग अच्छी लगती है तो आप लाइक में क्लिक कर सकते हैं ना। देखिए रोज़ाना मिनिमम 2500 व्यक्ति मेरी सीडियाँ देखते हैं, लेकिन लाइकिंग जो है 100-200 से ज़्यादा नहीं क्रॉस करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरे देखते हैं उनको ये सीडियाँ पसंद नहीं आ रही हैं। अगर नहीं आ रही हैं तो मैं सीडियाँ विड्रॉ कर लूँगा, अपलोड नहीं करूँगा। अगर आपको पसंद नहीं तो बोल दीजिए, हम निकाल देंगे, ठीक है। तो ये सीडियाँ अगर आप ख़रीदेंगे तो उसमें विस्तार से मैंने समझा है, सारी सीडियो में इसी तरह समझाते आ रहा हूँ, तो उसका सैंपल ये है, मैं तो वाकई इसी तरह तो समझाऊँगा। तो हाउ लॉन्ग हैज़ योर ब्रदर बीन वर्किंग इन अरेबिया, आपका भाई अरेबिया में कितने वर्षों से काम करते आ रहा है, ठीक है। तो उत्तर तो आपको मालूम है, माई ब्रदर हैज़ बीन वर्किंग इन अरेबिया फॉर द पास्ट 5 ईयर्स, माई ब्रदर हैज़ बीन वर्किंग इन अरेबिया फॉर द पास्ट 5 ईयर्स, बता देंगे, माई ब्रदर हैज़ बीन वर्किंग इन अरेबिया फॉर द पास्ट 5 ईयर्स। देखिए माई ब्रदर has been working in Arabia for the past 5 years, for the past 3 years, कोई भी duration लगा दीजिए। How long has your sister been working in Arabia, my sister has been working in Arabia for the past 5 years, how long has your sister been working in this college, my sister has been working in this college for the past 5 years, how long has this, कोई भी इट की जगह पे, हाउ लॉन्ग हैज़ दिस डॉग बीन बार्किंग, ये कुत्ता कितने घंटों से, कितने अरसे से भोंकते आ रहा है, दिस डॉग हैज़ बीन बार्किंग फॉर द पास्ट हाफ एन आवर, पिछले आधे घंटे से भोंकते आ रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गई। ही शी इट आते वक्त पे हैव बीन हैज़ बीन, तो इसका रूल क्या है, अगर कोई भी क्रिया भूतकाल से चालू होकर अब बात करते वक्त किए जा रही है तो उस जगह पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। वो वक्त कब का होता है, चाहे वो क्रिया समझो आधे घंटे के पहले क्यों ना शुरू की गई हो, चाहे वो क्रिया सम 2 दिनों के पहले शुरू की गई हो, चाहे वो क्रिया 2 महीनों के पहले क्यों ना शुरू की गई हो, 2 वर्षों के पहले या 2 सदियों के पहले, तो एक क्रिया भूतकाल में चालू करके अब तक अगर किए जा रही है तो उस जगह पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है, उस जगह पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। समझ में आएगी, वेरी सिंपल, हम इस जगह पे
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हिंदी में करते हैं। मैं अब अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, पिछले 40 वर्षों से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। मैं अब अंग्रेजी सीख रहा हूँ, पिछले 3 महीनों से सीख रहा हूँ। लेकिन अंग्रेजी में आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ, मैं अब अंग्रेजी सीख रहा हूँ, मैं पिछले 3 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, अगर बोलना है आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर द पास्ट 3 मंथ्स, फॉर द पास्ट 6 मंथ्स, फॉर द पास्ट 2 ईयर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर कोई भी चीज़ आपको पसंद आती है तो क्लिक कीजिए लाइक में, ठीक है, तो आपके सजेशंस भी उसमें कीजिए, आप मुझसे बात कर सकते हैं, सजेशन भी आप पेश कीजिए, तो मैं आगे आपको कुछ चाहिए, कोई डिफ़िकल्टी है तो पूछिए, मैं बताता हूँ उसमें कीजिए। और एक हफ्ते 2 हफ्ते में लाइव भी आ जाऊँगा मैं, यूट्यूब में लाइव में आप सवाल कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर हो सका तो दूंगा, ठीक है, अगर मैं जानता हूँ तो दे दूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस जगह पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। सो हम हिंदी में दोनों जगह पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, इसलिए अंग्रेजी में अगर कोई हैव बीन हैज़ बीन अगर इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है, तो हमको ताजुब लगा, अरे अरे बहुत फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है। आप भी बोलिए, आज ही से बोलिए, ठीक है, हम अगली सीडी में मिलते हैं। सारी तारीफ भगवान के लिए है।